Dear students of 11th class, today is our topic of botany is saline molds. प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जैसे हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, हमने पहले मोनिरा पढ़ा है, इसके बाद दूसरा जो किंगडम है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा जो है उसमें हमने कुछ उसके टाइपस या ग्रुप्स पढ़े हैं जिसमें डायनोफिलेजनेट्स हैं, जुगलिनो फलेजलेटस हैं। इसी तरह से आज हमारा टॉपिक है सलाइम मोल्ड्स। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि सलाइम मोल्ड्स भी इसी प्रोटिस्टा का एक ग्रुप है, जिनको हम कहते हैं कि दे आर नोन एज डिकम्पोजर प्रोटिस्टा। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सलाइम मोल्ड्स। तो सलाइम मोल्ड्स दे आर फंजी लाइक प्रोटिस्टा, सिंपली नोन एज डिकम्पोजर प्रोटिस्टा। जनरल कैरेक्टर सलाइम मोल्ड्स आर ऑर्गेनिजम्स विच शेयर द कैरेक्टर ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जो ये प्रोटिस्टा है जिसमें हम आज डील करें सलाइम मोल्ड्स, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं दोनों से, यानी प्लांट से प्लांट्स से भी और एनिमल्स से भी। तो उनको हम कहते हैं कि दे शेयर देयर कैरेक्टर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइकोलॉजिस्ट्स इंक्लूड देम इन द डिवीजन मैगजोकोटा। तो मैगजा मीनस सलाइम, माइकस मीनस फंगस ऑफ द किंगडम माइकोटा। तो जो फंगस के मतलब एक्सपर्ट्स हैं जैसे उनको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं, तो उन्होंने उनको मैगजोकोटा में इंक्लूड किया है। मैगजा मीनस सलाइम एंड माइकस मीनस फंगस। तो इस तरह से ये वो किंगडम है, तो इसको हम कहते हैं सलाइम मोल्ड्स, एक सॉर्ट ऑफ फंगस। मॉडर्न बायोलॉजिस्ट्स इंक्लूड सलाइम मोल्ड्स अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा एंड आर कॉल्ड प्रोटिस्टियन फंजे। तो जो आज के मॉडर्न बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उस सलाइम मोल्ड्स को एक किंगडम में इंक्लूड किया है, जिसको हम क्या जिस किंगडम को इंक्लूड किया है प्रोटिस्टेंट फंजे, तो उनको हम प्रोटिस्टेंट फंजे भी कहते हैं। इस तरह से आज के जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उनको प्रोटिस्टेंट फंजे में इंक्लूड किया है। सलाइम मोल्ड्स और टेरिस्ट्रियल एंड अकर इन शेडी मॉइस्ट एरियाज। जो सलाइम मोल्ड्स हैं टेरिस्ट्रियल है, ये यहाँ पर मतलब ऑन दिस लैंड दे ग्रो एंड अकर इन शेडी मॉइस्ट प्लेस, और कहीं कहीं जो मॉइस्ट एरिया है जहाँ पर शेड हो वहाँ पर भी ये ग्रो करते हैं। दैट इज़ दे ग्रो ऑल्सो इन शेडी मॉइस्ट एरियाज, वेल दे आर मेनली दे आर टेरिस्ट्रियल। द वेजिटेटिव पॉड्स डू नॉट पॉजिस सेल वॉल्स। जो उनके वेजिटेटिव पॉड्स हैं उसमें सेल वॉल्स नहीं होते हैं, सेल वॉल्स आर एब्सेंट। दे अगर आइदर एज प्लाज्मोडियम और सीडो प्लाज्मोडियम, हाउएवर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पॉजिस सेल वॉल्स। तो जो उनका वेजिटेटिव उसके एक मेन फीचर्स हैं, जब वो वेजिटेटिव स्टेज में होता है तो उसकी बॉडी पर सेल वॉल्स नहीं होते हैं, जबकि वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आते हैं तो उनकी बॉडी में सेल वॉल्स होते हैं। इस तरह दे एट वन स्टेज दे डू नॉट हैव सेल वॉल एंड अदर स्टेज ऑफ लाइफ दे हैव सेल वॉल। द ऑर्गेनिज्म अकर एज सलाइमी मॉस ज्यूरिंग वेजिटेटिव फेज, दस कॉल्ड सलाइम मोल्ड्स। जब उनको सलाइम मोल्ड्स क्या बताया जाता है कि जो ये ऑर्गेनिज इस ग्रुप में आते हैं, दे अकर एज सलाइमी मॉस। तो हमें एक बहुत सॉफ्ट एक मॉस नज़र आती है उनसे, जब कि उनका वेजिटेटिव फेज होता है तो उनको हम सलाइम मोल्ड्स कहते हैं, बिकॉज दे अकर एज सलाइमी मॉस ज्यूरिंग वेजिटेटिव फेज। द प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर इन्यूक्लिएटेड हाइलोप्लाज्म एंड सेंट्रल न्यूक्लिएटेड पोर्शन। इसके दो हिस्से होते हैं, डिफरेंशिएटेड होता है आउटर इन्यूक्लिएटेड, आउटर हिस्सा वो होता है जो इन्यूक्लिएट होता है जिसको हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं, और सेंट्रल न्यूक्लिएटेड पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन होता है वो न्यूक्लिएट पोर्शन होता है। तो एट मेच्योरिटी इट में कंटेन सेवरल हंड्रेड ऑफ सेवरल थाउजेंड न्यूक्लियर। जब ये मेच्योरिटी में होता है तो इसमें हंड्रेड से थाउजेंड न्यूक्लियर मौजूद होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये डिफरेंशिएट होता है, जो आउटर होता है इन न्यूक्लियर विदाउट न्यूक्लियस जिसको हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियर प्लाज्म, और सेंट्रल पोर्शन होता है उसमें न्यूक्लियर पोर्शन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हंड्रेड से थाउजेंड न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इस तरह से फीचर्स होते हैं सलाइम मोल्ड्स के। तो ये सलाइम मोल्ड्स जो होते हैं दे आर ए सॉफ्ट सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट मॉस और ए सिल्मी मॉस,
ड्यूरिंग विजिटेटिव फेज, तो उनको हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। एक और फीचर है क्लोरोफिल इज एबसेंट। जो ये स्लाइम मोल्ड्स हैं इनमें क्लोरोफिल एबसेंट होता है। द मोल्ड न्यूट्रिशन सेवरो ट्रॉफिक ए फ्यू और पैरासाइटिक ऑन एल्गी। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जब उनकी क्लोरोफिल नहीं होता है तो सेफ्रो ट्रॉफिक होते हैं। सेफ्रो ट्रॉफिक दे गेट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकिंग बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फ्यू आर पैरासाइट्स ऑन एल्गी। कुछ होते हैं कि जो अलगी से अपना गुजर हासिल करते हैं मगर दे पैरासाइट्स। सलाई मोल्डस जो होते हैं सलाई मोल्डस शो एम्बोइड मूवमेंट। एम्बोबिया की तरह ये मूव करते हैं। एम्बोबॉइड मूवमेंट होते हैं एंड मूव बाई ए फॉर्मेशन ऑफ सीरोपोडिया। और एक अपनी बॉडी में एक सॉर्ट ऑफ फूड जो उनका होता है उसको हम सीरोपोडिया कहते हैं। जिसे ये मूवमेंट करते हैं तो उसी से उसी सीरोपोडिया ए सॉर्ट ऑफ फूड उनकी बॉडी में बनता है तो इसको हम सीरोपोडिया कहते हैं। इस तरह से ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ए लार्ज नंबर ऑफ पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। इसमें बहुत सारे पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स होते हैं विथ इन द सेंट्रल न्यूक्लियेटेड पोर्शन विच इम्पोर्ट्स वेरियस कलरेशन कॉल इंथ्रासीन। तो इसमें एक सॉर्ट ऑफ पिगमेंट होता है इंथ्रासीन जैसे होता है। वो इंथ्रासीन क्या होता है वो पिगमेंटेड होता है। तो जो सेंट्रल पोर्शन है न्यूक्लियर पोर्शन को एक सॉर्ट ऑफ कलर देता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो ये सलाइम मोल्ड्स हैं इनमें एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम इंथ्रासीन कहते हैं। तो इट इज़ प्रेजेंट इन दीज सलाइम मोल्ड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन सिग्लोशिया एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरिंजिया। तो इनमें एसेक्चुअल जो रिप्रोडक्शन होती है अपनी रिप्रोडक्शन अपनी तादाद बढ़ाते हैं। तो इट अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन या तो उनकी बॉडी फ्रेगमेंट्स में उसकी बॉडी को फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो हर एक फ्रेगमेंट एक नया सलाइम मोल्ड बनता है या सिग्लोरिशिया एंड बाय द फॉर्मेशन स्पोरिंजिया। तो कहीं कहीं स्पोरिंजिया की शक्ल में भी एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन अंजाम देते हैं। एक और फीचर है स्पोरिंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर एक सॉर्ट ऑफ एग्स आर प्रोड्यूसर इन दिस विच आर नोन एज स्पोर्स। ई स्पोर पॉज एस सेलुलर सेल वॉल। तो चूँकि ये विजिटेटिव फेज में जब आते हैं तो उनमें होता है सेल वॉल जो सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ गमेट। जो उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें फ्यूजन ऑफ गमेट्स होता है। दैट इज दे फ्यूज ज्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर गमेट्स फ्यूज ज्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बायोफ्लेजेलेट स्वार्मर्स जो कहीं और मैगजो एमोबा। द मोड ऑफ सेलिब्रेशन इज आइसो गेम्स और एन ओ आइसो गेम्स। कहीं कहीं क्या होता है कि जो उनका ये है गमेट्स होते हैं या उनमें कहीं आइसो गेम्स होते हैं बोथ आर ऑफ द सेम साइज एंड शेप। शेप आइसो गेम्स हो सकता है कहीं कहीं एन आइसो गेम्स या कहीं एक बड़ा हो दूसरा छोटा हो। तो ऐसे एन ऐसे गेम्स रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन दीज सलाइम मोल्ड्स। इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो सलाइम मोल्ड्स हैं इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ फंगस लाइक अ प्रोटिस्टा और डिकम्पोजर ऑफ प्रोटिस्टा। तो इसके फीचर्स जो होते हैं दे नदर इट सम टाइम्स दे हैव प्लांट लाइक फीचर्स। जैसे एक स्टेज में उनके सेल वॉल्स होते हैं जबकि रिप्रोड्यूस स्टेज में उनके सेल वॉल्स नहीं होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये सलाइम मोल्ड्स हैं इनके फीचर्स हैं बोथ फीचर्स हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इन शॉर्ट में बताएंगे कि जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर सेमी मॉस ज्यूरिंग विजिटेटिव फेज। तो उन्हीं को हम कहते हैं कि जो सेलेमी मॉस होते हैं इनकी जो ये ऑर्गेनिजम्स तो इस तरीके उनको हम सलाइम मोल्ड्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स आई होप यू हैव गॉट जनरल फीचर्स ऑफ सलाइम मोल्ड्स टुडे। इट इज़ सफिशेंट। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।